पिक्चर को डिलीट करवाना चाहते हैं प्रभास। कौन सी हीरोइन होने वाली है रॉकी की अगली जोड़ीदार? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और फेवरेट चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। दोस्तों, KGF 3 का प्रमोशन बहुत बड़े स्केल पर होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्नड़ इंडस्ट्री की ही एक और फिल्म जिसका नाम आप सभी ने सुन ही रखा होगा, RRR का प्रमोशन बहुत बड़े स्केल पर हुआ था। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड तक ने इसकी कास्ट और क्रू ने मूवी के प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ी और इसलिए फिल्म को अच्छा खासा फायदा भी हुआ। इसी को देखते हुए प्रशांत नील और यश दोनों ही KGF 3, बल्कि ये कह लीजिए कि पूरे KGF यूनिवर्स से रिलेटेड हर एक मूवी को बड़े स्केल पर प्रमोट करने की प्लानिंग कर रही है। फिल्म को कुछ विदेशी भाषाओं में डब करने की भी पूरी तैयारी है। दोस्तों, प्रभास की पिछली मूवी राधे श्याम तो बॉक्स ऑफिस पर मुंह की खा ही चुकी है और लोगों के दिल में KGF 2 अभी भी पूरी तरह से जिंदा है। ऐसे में प्रभास यश से अपना कंपैरिजन या तो सलार का KGF से खासा लिंक नहीं चाहते, क्योंकि चाहे प्रभास हो या फिर यश, दोनों ही अपने अपने इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार्स हैं। इनका क्लैश या कंपैरिजन दूसरी मूवी को नुकसान तो पहुंचा ही सकता है। यही वजह है कि प्रभास इस मूवी को डिले कर रहे हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में नॉर्थ साउथ का डिफरेंस मिटाने वाले बाहुबली प्रभास को अनदेखा करना किसी भी फैंस के लिए आसान बात तो बिल्कुल नहीं होगी। मुझे लगता है कि प्रभास बिना बात के चिंता कर रहे हैं। जैसे कि ट्विटर पर ट्रेंड होते हुए आपने देखा ही होगा #Yash19 और #Yash20। तो आपको बता दें कि ये यश की आने वाली दो फिल्म है जिनके लिए यश पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। यश और शंकर की पीरियोडिक ड्रामा में यश के अपोजिट पूजा हेगड़े को कास्ट किया जाएगा और यश की शिप बैटल पर बेस्ड मूवी में उनकी हीरोइन सामंथा होने वाली है, जो कि खुद इतनी बड़ी सुपरस्टार है। सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों कि यश और सामंथा प्रशांत नील की भी पहली प्रेफरेंस है, क्योंकि जब स्टोरी प्रेजेंट में आएगी तो एक हीरोइन की जरूरत तो होगी ना। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको यश किस हीरोइन के साथ परफेक्ट लगते हैं, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ हमारे चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।